खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मंगलवार को एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये साथ तो आ सकते हैं, पास नहीं आ सकते। पीएम मोदी ने कहा कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में हाथ पकड़कर हंस रहे हैं। बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस लड़ रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु में साथ खड़े हैं। जनता जानती है कि ये मिशन नहीं, मजबूरियां हैं। हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमने देश के विकास में न रोड़े अटकाए और ना ही रुकावट बने। आजकल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारें अपने यहां लागू नहीं होने देती। अगर ये योजनाएं लागू होती भी हैं तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने दी जाती। ये लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजना का लाभ मिल गया तो कैसे काम चलेगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी। मुझे याद है, गरीबों के घर के लिए, हर घर जल के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ती है, लेकिन ये लोग गरीब के कल्याण को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ही तोलते रहे। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठा पटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई, लेकिन देश को क्या मिला। दिल्ली में एनडीए